नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे। जब आज शुक्रवार 13 दिसंबर 2019 को इंदौर के होलकर स्टेडियम में पहुंचा, तो वहां कैंटीन और डॉक्टर एम के भार्गव कॉन्फ्रेंस हॉल के बीच में एरिना का नाम दिया गया है, भाऊ साहेब निम्बालकर एरिना। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, क्रिकेट गुरु और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व सचिव संजय जगदाले सर ने उसका उद्घाटन किया। अब होलकर स्टेडियम में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जिसका नामकरण किसी खिलाड़ी या क्रिकेट प्रशासक के नाम पर किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, होलकर स्टेडियम दुनिया में एकमात्र ऐसा स्टेडियम है जिसके हर स्टैंड को किसी न किसी पूर्व क्रिकेटर का नाम दिया गया है। महज पवेलियन को ले लीजिए, जहाँ की भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान कर्नल सी के नायडू और भारत के लिए टेस्ट मैचों में पहला शतक लगाने वाले कैप्टन मुश्ताक अली के नाम पर रखा गया है। कपिल देव, अजीत वाडेकर, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर के नाम पर भी होलकर स्टेडियम में स्टैंड्स बनाए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्व क्रिकेटर मेजर एमएम जगदाले, हीरालाल गायकवाड़, उनके नाम पर भी स्टैंड है। पेश है खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे ग्लोबल वेब टीवी और प्रभात किरण के लिए यहाँ इंदौर के होलकर स्टेडियम में खड़ा हूँ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, भाऊ साहब निम्बालकर एरिना, जो कि उस स्थान का नाम रखा गया है जो डॉक्टर एम के भार्गव एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ्रेंस हॉल के पास में है, और प्रसिद्ध गुड्डू और पप्पू भैया कैंटीन जहाँ से संचालित होता है उसके बीच में जो जगह है उसको नाम दिया गया है भाऊ साहब निम्बालकर एरिना। स्वयं भाऊ साहब कल उपस्थित थे और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संजय जगदाले साहब भी इसके उद्घाटन अवसर पर मौजूद थे। जैसा कि होलकर स्टेडियम इंदौर भारत में एकमात्र ऐसा स्टेडियम है जिसमें हर स्टैंड के कोई ना कोई नाम दिए गए। यदि हम ये पवेलियन की बात करें तो यहाँ पर कैप्टन मुश्ताक अली पवेलियन है और उसी के बाजू में कर्नल सी के नायडू पवेलियन है, जबकि जो कमेंट्री बॉक्स है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पद्मश्री सुशील दोषी के नाम पर बनाया गया, जो हिंदी के सर्वकालिक महान कमेंटेटर थे। बहरहाल, अब होलकर स्टेडियम में ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जिससे जिसका कि नामकरण किया जा सके। आपको मैं उस ओर ले चलता हूँ, शायद जहाँ आपको दिखेगा नहीं, लेकिन विजय हजारे स्टैंड है, अजीत वाडेकर स्टैंड है, सुनील गावस्कर स्टैंड है, कपिल देव स्टैंड है, अनिल कुंबले स्टैंड है, और अंत में सचिन तेंदुलकर स्टैंड है। सामने आप देख सकते हैं मदर ऑफ सिंधिया एंड नाम दिया गया उस पवेलियन का, जिसके नीचे अत्याधुनिक मीडिया बॉक्स है जिसमें टफन ग्लास लगे हुए हैं और देश दुनिया के पत्रकार इसकी तारीफ करके गए हैं। यदि इधर के स्टैंड की बात की जाए तो जैन भाई स्टैंड है जो कि पूर्वी गैलरी है, मेजर एमएम जगदाले स्टैंड है, खंडू राव रांगनेकर स्टैंड है, हीरालाल गायकवाड़ स्टैंड, सीटी सर्वटे स्टैंड, और अंत में सीएस नायडू स्टैंड। तो एक बार फिर दोहराता हूँ, होलकर स्टेडियम में किसी भी स्टैंड के लिए नाम की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जो प्रशासनिक भवन बनाया गया वह पहले ही मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के दिवंगत अध्यक्ष श्री माधवराव सिंधिया के नाम पर बनाया जा चुका है।